जैसा कि कल 20 अक्टूबर से देश को पहली रैपिड रेल का तोहफा मिलने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, ऐसे में रैपिड रेल शुरू होने से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लोगों को काफी फायदा होगा। और इसी के साथ आप इस बात को भी जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि आखिर इस रेल की खासियत क्या है, ये ट्रेन अंदर से कैसे दिखाई देती है। तो आज हम आपको हमारी इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि इस ट्रेन में बैठने की व्यवस्था किसी विमान जैसी की गई है और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन में आरामदायक और पीछे तक झुकने वाली सीटें लगाई गई हैं। वहीं रैपिड रेल में झुकने वाली सीटों और खिड़कियों के अलावा हाईटेक कोच में डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई है, जिस पर यात्री किसी भी समय ट्रेन का अपना रूट चेक कर सकते हैं और इसी के साथ डिजिटल स्क्रीन पर चल रही ट्रेन की मौजूदा स्पीड का भी पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें, हर एक ट्रेन में 6 कोच होंगे, जिनमें 1 प्रीमियर और 5 स्टैंडर्ड होंगे। प्रीमियर कोच के लिए यात्रियों को ज्यादा किराया देना होगा, जबकि स्टैंडर्ड कोचों में से 1 कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसी के साथ रैपिड रेल में 50% से ज्यादा महिला कर्मचारी होंगी और स्थानीय लोगों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रीमियर कोच में सफर करने के लिए टिकट लेने वालों के लिए स्टेशनों पर एक वेटिंग लाउंज होगा और यात्रियों के लिए इसकी पहली ट्रेन शनिवार को चलेगी। वहीं इसकी फ्रीक्वेंसी शुरुआत में 15 मिनट की होगी। ट्रेनें हर एक स्टेशन पर 30 सेकंड के लिए रुकेंगी। ऐसे में ये RRTS नॉर्मल रेलवे प्रणाली और मेट्रो नेटवर्क दोनों से अलग होगा, जो कि भारत की पहली रेलवे प्रणाली होगी जिसकी अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं इसके रास्ते में 14 स्टेशन होंगे और ट्रेन की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है, जबकि डेमो के दौरान ट्रेन की अधिकतम स्पीड 146 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद से दुहाई डिपो खंड का आज उद्घाटन करेंगे। अभी इसके प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक यानी 17 किलोमीटर के रास्ते को ही खोला जाएगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन है जो कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, फुलधर और दुहाई डिपो है और ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 15 से 17 मिनट का समय लगेगा। वहीं 30,274 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही इस परियोजना का गलियारा 82 किलोमीटर लंबा होगा। ये दिल्ली के सराय काले खान स्टेशन से मेरठ के मोदीपुरम तक फैला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलहाल मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मेरठ और दिल्ली के बीच 1.5 घंटे और लोकल ट्रेन में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन रैपिड रेल में इसमें केवल 55 से 60 मिनट लगेंगे। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।